अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लेकर आई हूँ आलू पालक की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सा आलू पालक रेडी होगा घर में, आप इसको बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए बिना किसी देर के हुए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और इसके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हमें चाहिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पे चाहिए होगी पालक। स्पेनिश मैंने यहाँ पे लिया है हाफ के जी, उसको मैंने इस तरह से आपने कट कर लेना है। इसको ऑयल मुझे चाहिए होगा हाफ कप। पोटैटोज आलू मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 लार्ज के, और इसको मैंने 4 पीसेस में कट कर लिया। टोमेटोज टमाटर मैंने लिए हैं 2 लार्ज। हरी मिर्ची ग्रीन चिलीज़ मुझे चाहिए होंगी 4 अदद। ड्राई मेथी मुझे चाहिए होगी 1 टेबल स्पून। चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च मुझे मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून। जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट मुझे चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। ये रफली कटेड प्याज है, नॉर्मल तरीके से आपने प्याज कट कर लेंगी, वो मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप। साबुत लाल मिर्च, होल रेड चिलीज हैं 6 अदद। टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 टीस्पून। नमक, सॉल्ट लेंगे 1 टेबल स्पून। आइए बनाना शुरू करते हैं। एक पैन लेंगे, उसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ 1/2 कप। इसको गर्म होने देंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होना शुरू हो जाएगा, आपने इसमें डालनी है प्याज, अनियन 1/2 कप प्याज लिया, या फिर आप मीडियम साइज़ की प्याज ले सकते हैं। होल रेड चिली, साबुत मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ 6 अदद। इसको फ्राई करेंगे, लाइट से ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए लाइट ब्राउन हो गई है। जैसे ये कलर चेंज करेगी, आपने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है 2 टेबल स्पून। अब इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। चॉप टमाटर्स मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, 2 लार्ज मैंने टमाटर लिए थे उसको कट कर लिया। टर्मेरिक पाउडर, हल्दी पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। मिक्स करेंगे इस तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से, आपने फ्राई करना है। चिली फ्लेक्स मैं इसमें डाल रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। फिर से मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को, और इसको तकरीबन 5 मिनट तक हमें इसको पकाना है ताकि थोड़े से टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए जी, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें पालक शामिल कर रही हूँ 1/2 केजी। पालक को आपने अच्छी तरीके से वॉश करना है। पोटैटोज आलू मैं इसमें डाल रही हूँ, 2 लार्ज साइज़ के मैंने आलू लिए थे उसको 4 पीसेस में कट कर लिया। मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए जी, मिक्स हो गया। अब इसको कवर करेंगे और कुक करेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए, शक्ल आप देख सकते हैं। रेडी हो गया आलू पालक हमारा। अब मैं इसमें जो है ड्राई मेथी इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। ग्रीन चिलीज़ आपने हरी मिर्चें इसको हाफ में कट कर लेना है, 4 हरी मिर्चें मैंने ली। इसको बिल्कुल आखिर में शामिल करना है ताकि ये ग्रीन ग्रीन रहे। मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से। आलू पालक रेडी है, अब इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार सा आलू पालक रेडी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का बना है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपीज की अपडेट आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए जी, मैं इस आलू पालक को इन्जॉय करती हूँ, आप भी अपने घरों में बना के इन्जॉय कीजिएगा। अगर आपकी कोई फरमाइश तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप लोगों की फरमाइश को ज़रूर पूरा करूँगी। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग आउट, रखिएगा अपना बहुत बहुत ख्याल। टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।